तो गाइस, तो मैं हूं डिजोनेक्स। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं नैनो मशीन का एपिसोड नंबर 6। और इससे पहले के एपिसोड आप लोगों ने नहीं देखे होंगे तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, जल्द से आगे चेकआउट कर सकते हो। और बिना किसी देरी के करते शुरू ये वीडियो। स्टार्टिंग में यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स का सीन दिखाया था, जहाँ पे हमारा जो चियोन होता पीछे खड़ा होता है और वो यहाँ पे कहा था ये टेस्ट तो काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे हमारे चियोन के बारे में बात करते हुए कहा था वो यहाँ पे सबसे ज्यादा पहले फेल होने वाला है। और चियोन यहाँ पे कहा था मैं भले इनकी बातें क्यों सुन पा रहा हूँ लेकिन ये मेरे बारे में हंस रहे हैं और मेरे बारे में बात कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड कर्नल होता है वो यहाँ पे हमारे चियोन के बारे में सोचते हुए कहता है ये हमारे पैटियाज का लड़का है, इसको देख कर काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और यहाँ पे जैसे ये हॉर्न बजता है तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट होते हैं सब यहाँ पे कहते हैं लगता है पैटियाज अब यहाँ पे आने वाले हैं। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो पैटियाज होता है वो यहाँ पे चलते हुए आगे की तरफ आने लग जाता है, और साथ ही उसके यहाँ पे उसका राइट हैंड कर्नल और साथ ही उसका गार्डियन भी होता है। और सभी स्टूडेंट उसको देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो पैटियाज होता है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, और साथ ही इसका राइट हैंड कर्नल भी होता है और यहाँ पे उसका गार्डियन भी होता है। और यहाँ पे जो पैटियाज होता है सीधे आगे अपनी कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है, और यहाँ पे जो राइट हैंड कर्नल होता है वो लेफ्ट हैंड कर्नल से टकरा जाता है। और ये देखने बाद जो वहाँ पे लाल वाला बंदा होता है काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है तुम अपने कपड़ों को संभाल के नहीं रख सकते क्या। और यहाँ पे जो राइट हैंड कर्नल होता है उसे कहता है तुम्हें क्या, तुम अपने काम से काम रखो। और यहाँ पे जो गार्डियन होता है उनकी तरफ देखते हैं, उनको लोगों को एक धमकी देता है कि फालतू की बातें यहाँ पे मत करो, चुपचाप खड़े रहो। और यहाँ पे जो पैटियाज होता है वो यहाँ पे एक लंबी सी सांस लेता है और यहाँ पे उन सभी बच्चों की तरफ देख रहा होता है और यहाँ पे कहता है ये लोग मुझे काफी ज्यादा कमजोर लग रहे हैं और ये टॉप 5 में से मुरीम मार्शल आर्टिस्ट कल्टिवेटर है, टॉप 5 में से सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। और वो अपना प्रेशर यहाँ पे निकालता है जिससे चियोन यहाँ पे कहता है मैं तो अपना सिर भी यहाँ पे ऊपर की तरफ नहीं कर पा रहा, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, साथ ही ये इंसान मेरा फादर भी है। अपना गार्डियन सभी स्टूडेंट को यहाँ पे चुप कराता है, उन्हें पैटियाज के सामने झुकते हुए यहाँ पे कहता है हम लोग यहाँ पे रेडी, आप अपनी स्पीच यहाँ पे दे सकते हैं। ये सुनने के लिए यहाँ पे जो पैटियाज होता है सामने की तरफ खड़ा हो जाता है, और सामने की तरफ थोड़ा आगे के आने के बाद में वो अपना डोमिनेंस पावर यहाँ पे रिलीज करता है। वो अपना यहाँ पे ऑरा जैसे रिलीज करते हुए कहता है तुम लोग सभी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हो हमारे डिमोनिक कल्ट को स्ट्रांग बनाने के लिए। और यहाँ पे उसका जैसे ही पावर रिलीज होता है सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं, चियोन भी कहता है ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग पावर है। और वहाँ पे कहता है तुम सभी लोगों को यहाँ पे काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि तुम लोग हमारे डिमोनिक कल्ट में रह सको और हमारे डिमोनिक कल्ट को काफी ज्यादा स्ट्रांग बना सको। और यहाँ पे जो पैटियाज होता है अपनी स्पीच देने के बाद में यहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन पैटियाज यहाँ से जाते हुए यहाँ पे अपनी नजर को घुमाते हैं और वो हमारी नजर को अपनी नजर को घुमाते हुए सीधे हमारे चियोन की तरफ ही देखते हैं जो कि यहाँ पे पैटियाज का ही लड़का है, अपना ही बेटे को अपनी तरफ से देखते हुए यहाँ से देखते हैं कि उनका बेटा भी यहाँ पे खड़ा हुआ है। और फिर उसकी तरफ देखने बाद वो यहाँ से अपना मुंह घुमाते हुए चले जाते हैं। और ये देखो यहाँ पे जो चियोन होता है यहाँ पे कहता है ये इंसान मेरी माँ की मौत के बाद भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आया, मैंने इसको अपने पैदा होने के बाद बस एक ही बार देखा और इसके बाद मैंने इसको कभी देखा नहीं, और ये मेरा बाप है, मेरे को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पे जो लेफ्ट कर्नल होता है यहाँ पे सभी बच्चों से कहता है पैटियाज की स्पीड यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, और इस तरह यहाँ पे सभी स्टूडेंट यहाँ से जाने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कर्नल होता है वो यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है भले तुम यहाँ से जाने के लिए किसने कहा, सीधे अपनी जगह पे वापस से खड़े हो जाओ। और यहाँ पे कहता है मैं यहाँ पे चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे सीधे सीधे बता देता हूँ, हमारे सेक्टर में 4 साल से 6 टेस्ट होते हैं जिनमें तुम लोगों को टेस्ट देने होंगे, और यहाँ पे अगर एक टेस्ट में भी तुम लोग फेल हो गए तो तुम यहाँ पे हमारी सेक्टर से निकाल दिया जाएगा, तुम लोगों के पास बस एक ही चांस होगा, इसलिए तुम लोगों को अपना बेस्ट देना होगा उन सेक्टर टेस्ट को देने के लिए। तभी यहाँ पे कोई अपना हाथ उठाता है और अपने आपको यहाँ पे कहता है मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, और ये 6 यंग मास्टर में से एक यंग मास्टर होता है जो लेफ्ट कर्नल, तो यहाँ पे उसे कहता है कमी तुम यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के लिए किसी ने भी परमिशन नहीं दी। ये सुनने के लिए यहाँ पे जो यंग मास्टर होता है काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, यहाँ पे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को यहाँ पे कमी ना बोलने की, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। ये सुनने लेफ्ट कर्नल अपनी पावर रिलीज करते हैं, यहाँ पे कहता है मुझे तुम्हारे किसी भी होने से फर्क नहीं पड़ता, अगर तुमने यहाँ पे ज्यादा बहस की तो यहाँ पे तुम्हारे टेस्ट देने से पहले तुम्हारे को यहाँ सेक्टर से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर सभी यंग मास्टर हंसने लग जाते हैं, और यहाँ पे हमारे कर्नल से वो यंग मास्टर फिर बाद में माफी मांग लेता है और यहाँ पे कहता है और यहाँ पे टेस्ट देने के बाद में यहाँ पे एक फर्स्ट प्राइज भी है जो कि बहुत ज्यादा रेयर है, और यहाँ पे उन लोगों को फर्स्ट प्राइज के बारे में बताता है जो कि एक ब्लैक ड्रैगन पिल होती है। और ये सुनकर यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सभी कहते हैं ब्लैक ड्रैगन पिल तो बहुत ज्यादा रेयर है जिससे मैं अपनी पावर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकता हूँ, मेरी कल्टिवेशन भी काफी तेजी से बढ़ने लग जाएगी। और इस सुनकर यहाँ पे चियोन भी कहता है हाँ मेरे को भी ये पिल चाहिए जिससे मैं अपनी पावर को बढ़ा सकूँ। और यहाँ पे कहता है वो सेकंड प्राइज यहाँ पे एक मार्शल आर्ट की बुक है, तो मैं यहाँ पे हमारे डिमोनिक अकेडमी की मार्शल आर्ट लाइब्रेरी में जाने का मौका मिल सकता है जिसमें 5th फ्लोर है। और इस सुनकर यहाँ पे जितने भी बच्चे होते हैं काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, और चियोन भी कहता है मुझे मार्शल आर्ट बुक्स भी चाहिए अपनी कल्टिवेशन को बढ़ाने के लिए। फिर यहाँ पे कहता है तुम्हें यहाँ पे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम में से कोई
भी यहाँ पे फिफ्थ फ्लोर तक भी नहीं पहुँच पाएगा, वो बहुत ज़्यादा टफ है। तो गाइस इसका नेक्स्ट जो एपिसोड है वो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फाइटिंग सीन है। तो बिना किसी देरी के मिलते हैं नेक्स्ट जो, तब तक के लिए बाय बाय।